हेलो फ्रेंड्स, माय ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। मेरी वीडियोस को इतना सपोर्ट करने के लिए आप सबको थैंक यू। ऐसे ही आप मुझे सपोर्ट करते रहिएगा ताकि मैं आपके सपोर्ट के जरिए इतनी सारी वीडियोस लेके आ पाऊँ। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे घर बैठे आधार कार्ड अपडेट हम कैसे कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमें आधार कार्ड अपडेट करने के लिए सिर्फ क्रोम ब्राउज़र की ज़रूरत है। तो हम क्रोम ब्राउज़र को ओपन करेंगे। उस सर्च बार में हम सर्च करेंगे तो हम यहाँ लिखेंगे UIDAI। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी फर्स्ट नंबर पे लिंक आ चुका है, तो हम इस पर क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये पूरा आधार कार्ड का ऑफिशियल लिंक ओपन हो चुका है। तो फ्रेंड्स, आपको UIDAI की फुल फॉर्म पता है? इसकी फुल फॉर्म है यूनिक आइडेंटिफाई अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसे नीचे करेंगे जहां गेट आधार लिखा है, उसके नीचे हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो हम उसमें देखेंगे बुक एंड अपॉइंटमेंट। तो हम बुक एंड अपॉइंटमेंट पे क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास कितने सारे ऑप्शन आ गए हैं, वो भी अपडेट्स के। हम यहाँ पे कुछ भी अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पे न्यू आधार कार्ड भी बनवा सकते हैं, नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल। तो देखिए फ्रेंड्स, हम इसके पहले ऑप्शन पे क्लिक करके देखेंगे जहाँ लिख रहा है सेलेक्ट। तो हम यहाँ पे अपनी सिटी देख लेंगे। अगर आपको इस ऑप्शन में सिटी अपनी नहीं मिलती है तो चिंता नहीं कीजिए, इसका सेकेंड ऑप्शन भी है। तो मेरे को तो यहाँ पे अपनी सिटी यहाँ पे अवेलेबल नहीं मिली, तो मैं बैक आऊँगा और सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। देखिए फ्रेंड्स, क्लिक करते ही आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, यहाँ पे हमें अपने कोई भी मोबाइल फ़ोन से बस लॉगिन करना है। यहाँ पे हम अपना मोबाइल नंबर इनेबल कर देंगे जिस पे OTP आए और ये आधार सेवा लॉगिन हो जाए। तो मैं अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे एक कैप्चा दिया गया है टेढ़े मेढ़े अक्षरों का, तो हम उसे अच्छी तरह देख के इनेबल कर देंगे और सेंड OTP पे क्लिक कर देंगे। और हमें मैसेज के थ्रू एक OTP आएगा जो हमें नीचे वाले ब्लैंक में डालना है। मैं देखता हूँ यहाँ पे मेरे पास OTP आया है क्या। तो होम पेज पे करके मैं अपने मैसेज बॉक्स पे जाके देखता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे को एक मैसेज मिला। तो देखिए फ्रेंड्स, हमें OTP आ चुका है, मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमें ये आधार कार्ड के अंतर्गत ही मिला है। तो हम इस OTP को यहाँ पे इनबिल्ट कर देंगे और सबमिट OTP कर देंगे। सबमिट OTP करते ही आपका आधार कार्ड की जो भी अपडेट है वो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे हम एक्टिव कर देंगे। एक्टिव करने के बाद कुछ इंटरफेस ऐसा होगा। जिसका आधार कार्ड हमें अपडेट करना है उसका नेम और आधार नंबर यहाँ फिल करेंगे। मुझे तो मेरे फादर का करना है, तो मैं यहाँ पे अपने फादर का नेम डालूँगा। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ आप देख के डालिएगा, आप अपना पुराना वाला आधार कार्ड ले सकते हैं, उसकी मदद से आप पूरा फिल कर सकते हैं।
अब हमें इस आधार कार्ड की पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये देखिए फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इंडियन, तो हम यहाँ पे इंडियन पे ही क्लिक करेंगे। तो हमें अपडेट क्या क्या करना है, हमें अपडेट नेम पे करना है, डेट ऑफ बर्थ करना है, जेंडर करना है, मोबाइल नंबर करना है। तो मुझे यहाँ पे नेम और मोबाइल नंबर अपडेट करना है, तो मैं यहाँ दोनों पे टिक कर दूँगा। और फ्रेंड्स हाँ, यहाँ पे हम एक साथ 2-3 अपडेट भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम ओके कर देंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, जो हमें मोबाइल नंबर अपडेट में डालना है, मतलब कि जो आधार कार्ड में हमें देना है मोबाइल नंबर, हम सिर्फ वही यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे। तो मैं यहाँ अपना मोबाइल नंबर डाल दूँगा। देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल सोच के समझ के अच्छे तरह ही डालिएगा, कुछ भी गलती ना हो, नहीं तो आपका आधार कार्ड अपडेट पेंडिंग में चला जाएगा। तो फ्रेंड्स आप यहां देख सकते हैं, मैं यहां पे प्रोसेस पे क्लिक कर दूंगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमें बता रहा है कि आपका पहले आधार कार्ड पे नाम और नंबर ये था, और अब हमें जो अपना न्यू अपडेट करना है उसका नाम डालना है। बिल्कुल सही, तो हम यहां पे जो नाम चाहते हैं वही डाल देंगे, और वो भी बिल्कुल ध्यान से, एक स्पेलिंग की भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, जो OTP आया है वो हम यहाँ पे फिल कर देंगे। वेरीफाई OTP। तो फ्रेंड्स आप देख ही सकते हैं, मैं पूरा प्रोसेस आपके सामने बिल्कुल लाइव कर रहा हूँ, ताकि आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझ आ जाए और आप घर बैठे लॉकडाउन में भी कर सकते हैं। तो हम इसे सेव एंड प्रोसेस पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ थोड़ा प्रोसेस लेगा ये, क्योंकि जो हमने यहाँ पे फिल किया है वो सीधा आधार कार्ड केंद्र में जाएगा। तो फ्रेंड्स आप सब देख ही सकते हैं, यहाँ पे मैं बिल्कुल आपको फ्री में घर बैठे क्या टेक्निक बता रहा हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूरा लिखा हुआ आ चुका है, जो हमने नेम और मोबाइल नंबर दिया था वो यहाँ पे पूछ रहा है कि बिल्कुल सही है ना। तो हम यहाँ पे टिक करके और सबमिट पे क्लिक कर देंगे। फ्रेंड्स ये देखिए, अब हम यहाँ पे लेना है बुक अपॉइंटमेंट। अब हम यहाँ पे घर बैठे बुक अपॉइंटमेंट कर सकते हैं, कि हमें कोई झंझट ना हो, सीधा लाइन में लगना ना पड़े। हम इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे, ताकि हमें याद रहे, अगर ताकि हमें सेंटर पे कुछ प्रूफ मांगे तो हम दिखा सके। हम यहाँ पे लोकेशन पे भी ओके कर देंगे, कि ताकि हमारी लोकेशन
जान सके और जहाँ पे भी आधार कार्ड अपडेट हो रहा है बिल्कुल हमें उसका सेंटर पास पड़े हमारे घर के। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे घर के आसपास में 9 सेंटर पड़ रहे हैं। मैं तो करोल बाग में रहता हूँ तो मेरे यहाँ पे तो आसपास में 9 सेंटर दिख रहे हैं मुझे। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे घर के पास ही ICICI बैंक है। ये हमें उसमें बता रहा है कि यहाँ पे हो सकता है। तो आप टेंशन मत लीजिएगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, पूरा प्रोसेस ये कंप्यूटराइज हो जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं एक एक करके आपको दिखा रहा हूँ कितने सारे सेंटर मेरे घर के आसपास में दिख रहे हैं। अभी आपको तो पता ही है वैसे भी लॉकडाउन चल रहा है, तो हम इसको ओपन करके देखते हैं अगर हमारा अपडेट हो सकता है तो हमें बता देगा, अगर नहीं हो सकता तो हमें आगे की डेट भी दे सकता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जो हमारे सबसे पास में सेंटर पड़ रहा था हम उस पर क्लिक कर दिए हैं और हम अपने टाइम और डेट खुद चॉइस कर सकते हैं। तो जिस दिन आप खाली हो उस दिन आप अपना आधार कार्ड अपडेट करवा सकते हैं। फ्रेंड्स, आप लोग आधार कार्ड अपडेट फ़ोन या अपने लैपटॉप में भी कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक पे और नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय फ्रेंड्स, ये मेरी और वीडियोस आपको दिख रही होगी अभी, तो आप इसे देखिएगा, ये आपके बहुत काम आ सकती है।